श्रीदेवी आखिरकार कल पंचतत्व में विलीन हो गई और इस दौरान हर किसी की आंखों में नमी आई। उन्हें अंतिम विदाई देने के बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी के ट्विटर अकाउंट से शायद एक आखिरी बार ट्वीट किया। उन्होंने जो लिखा वो पढ़कर किसी भी की आंखें नम हो जाएंगी। एक दोस्त को, एक पत्नी को और अपनी बेटियों की माँ को खोना कितना बड़ा दुख होता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी दोस्तों, परिवार, साथियों, शुभचिंतकों और श्रीदेवी के लाखों फैंस का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े रहे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास अर्जुन और अंशुला का प्यार और सहयोग, जो इस दुख की घड़ी में मेरे खुशी और जानवी के लिए अपने मजबूत कंधों के साथ खड़े थे। हम एक परिवार की तरह इस दुख को झेलने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के लिए वो एक चांदनी थी, एक शानदार एक्टर उनकी श्रीदेवी, लेकिन मेरे लिए मेरा प्यार, मेरा दोस्त, मेरे बच्चों की माँ, मेरे साथी, मेरे बच्चों के लिए वो सब कुछ थी। उनकी ज़िंदगी वो हमारा केंद्र थी, उसी के चारों ओर हमारी ज़िंदगी घूमती रहती थी। आज जब मैं उनकी अपनी प्यारी पत्नी और जानवी खुशी की मम्मी को आखिरी बार विदा करता हूँ, मैं आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी निजता का सम्मान करें, हमें अकेले में अपना दुख बांटने दें, हमें अकेले में शोक मनाने दें, हमें इसका बहुत ज़रूरत है। अगर आपको श्रीदेवी के बारे में बात करनी है तो अच्छी बात करिए। वो ऐसी एक्टर है जो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। उसे का प्यार और सम्मान दें जिसकी वो हकदार है। एक एक्टर की ज़िंदगी पर पर्दा जरूर गिर जाता है, लेकिन उसका काम हमेशा चमकता है। इस वक्त मेरी केवल चिंता है मेरी बेटियों की सुरक्षा और श्री के बिना आने वाली ज़िंदगी बिताने का रास्ता ढूंढना। वो हमारी ज़िंदगी थी, हमारी मजबूती थी और हमारी हर मुस्कान की वजह थी। हम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमेशा सुकून में रहना, हमारी ज़िंदगी तुम्हारे बिना भी वैसे नहीं रह सकती। तेज न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।